हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। बीट रूट कबाब या बीट रूट कटलेट, आप कुछ भी कह लीजिए, पर है बहुत ही टेस्टी और बनती बहुत ही यमी है। तो चलिए सबसे पहले मैं उसके इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। ये दो मीडियम साइज का बीट रूट है। मैंने इसको अच्छे से ग्रेट किया हुआ है, देखिए ग्रेटेड बीट रूट है। और ये अराउंड 3 से 4 मीडियम साइज के पोटैटोज हैं, इनको बॉईल किया हुआ है। और देखिए 1 टीस्पून अराउंड चाट मसाला है। ये रोस्टेड पीनट्स हैं, इसको क्रश किया हुआ है। आप जैसे हल्का हल्का दरदरा कर लीजिएगा इसको। 1 इंच ये अदरक है, इसको ग्रेट किया हुआ है मैंने। 2 ग्रीन चिलीज हैं, काटी हुई हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज है, लंबा लंबा काटा हुआ है मैंने। और ये देखिए गार्लिक और ग्रीन चिली का अराउंड 1 टीस्पून पेस्ट है। अगर आप नहीं खाते हैं गार्लिक, तो इसमें आप गार्लिक स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रीन कोरिएंडर है। बाकी ड्राई स्पाइसेस पड़ेंगे, सॉल्ट, ग्रे रेड चिली, जीरा पाउडर, गरम मसाला। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको चलिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल डालना चाहते हैं, अराउंड 1 टेबल स्पून डालेगा। उसके बाद हम इसमें ये जो हमने अनियंस काटे हुए थे ये डाल देंगे। और इसको अच्छे से देखिए सॉटे कर लेंगे। हल्का सा हमें ट्रांसपेरेंट करना है, हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन या लाइट ब्राउन कुछ भी नहीं करना है। इसको बस जरा सा प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस हमें इतना करना है। इस टाइम पे हम ये सब इसमें एक ग्रीन चिलीज डाल देंगे। हल्का सा अराउंड 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छा, अब हमारे प्याज लगभग हो गए। ये देखिए इस टाइम पे हम इसमें ये जिंजर डाल देंगे। गार्लिक डाल देंगे। हल्का सा हमें इसको अच्छे से इसको हल्का सा करेंगे। इस टाइम हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे गैस। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने बीट रूट ग्रेट करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे इसमें। कई लोग बीट रूट कबाब बनाते हैं तो बीट रूट को बॉईल करके भी बनाते हैं, पर इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनते हैं और काफ़ी उसमें टाइम बहुत लग जाता है अगर आप बॉईल करके उसको पीस के बनाते हैं। इसको हल्का सा 2 मिनट इसको अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि इसका पानी जो है सूख जाए इसमें। इसको हम हल्का हल्का स्लो फ्लेम पे ही 2 मिनट अच्छे से इसको कर लेते हैं। इसको 2 मिनट हो गया है इस टाइम पे। अब हमने ये जो आलू रखे थे ये डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको
हल्का सा ऑयल में 2 मिनट के लिए कर लेंगे, आलू को भी 2 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट कर लेंगे क्योंकि बीट रूट हम ऑलरेडी 2 मिनट कर चुके हैं। अभी इसको हम अच्छे से मैशर से भी कर लेंगे, बस मैंने कहा आलू भी 1 सेकंड भुन जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए आलू का भी ना। इसी तरीके से चलिए हम दोनों का मिक्सचर 1 मिनट के लिए अच्छे से साफ में इसको कर लेते हैं गैस पे अच्छे से, इस तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको कर ले रहे हैं। अब हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं इस टाइम पे गैस बंद कर देती हूँ। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे कि जो प्याज डाला था आलू बीट रूट सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। इस तरीके से हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से मैशर से कर लिया है, ये हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। ये देखिए बीच में आपको प्याज दिख रहा होगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुँह में बहुत अच्छे लगते हैं, प्याज के टुकड़े आते हैं। अब हम इसको लेते हैं सारा जो लगा हुआ मैशर में। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये डाल देती हूँ, मैंने जो चाट मसाला डाला हुआ था, ये ग्रीन कोरिएंडर डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, अराउंड 1 टीस्पून तो डल जाएगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला ये भी 1 टीस्पून डल जाएगा, धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून डल जाएगा। देखिए हमने ज़ीरा साबुत नहीं डाला ना, क्योंकि हमने पीसा नहीं है, इसलिए मैं ज़ीरा भी भुना हुआ ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून डल जाएगा। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डल जाएगी और सॉल्ट टू टेस्ट अराउंड, देख लीजिएगा आपकी अराउंड 1 टीस्पून से तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारे मिक्स करके इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर हमारा ये कबाब का ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद कबाब बनाएंगे। देखिए इसको हम अच्छे से जो मसाले डालें इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने मिक्स कर लिया था, अब हम इसको इसमें पलट देते हैं। इसके बाद हमने ये जो पीनट रखी हुई थी हम इसमें अब ये ऐड कर देंगे, रोस्टेड पीनट है। अगर आप पीनट नहीं डालना तो आप रोस्टेड कैश्यूज भी डाल सकते हैं, पर रोस्टेड डालिएगा, और नहीं डालना तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है, बाकी आप एक बार बनाने से पहले टेस्ट कर लीजिएगा, आपको सॉल्ट कम लग रहा है, मिर्चें कम लग रही हैं, कोई चीज़ आपको लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा कबाब का बैटर रेडी हो गया है, अब चलिए अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर मैं आपको दिखा चुकी थी, मेरा रेडी हो गया था, और ये मैंने ये देखिए मैंने मैदे की स्लरी बनाई हुई है अराउंड 1.5 टेबल स्पून की। ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से मिक्सी में क्रश कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक लेंगे, आपको जिस साइज़ के बनाने या आपके ऊपर है कि कितने साइज के कबाब बनाना चाहते हैं।
ये टी टाइम में, इवनिंग में एज अ स्नैक परफेक्ट लगते हैं। आप देखिए, अब इसके बाद इसको हल्का सा सारी में करके ये देखिए इस तरीके से सारे कबाब हम बना लेते हैं और इस तरीके से रख देते हैं। और अगर आप लोगों को कबाब जिस जिस को भी अच्छे लगे हैं, तो मैंने अपने चैनल में मैंने एक काले चने के कबाब बना के डाले में एक पालक के, तो आपको अगर है तो वो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ देखिएगा, क्योंकि बहुत ही दोनों पालक भी काले चने भी सब बहुत ही हेल्दी होते हैं, रेसिपीज सारी बहुत ही हेल्दी हैं और टेस्टी हैं। तो चलिए इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेते हैं और बना के हम इसको रख लेते हैं। ये देखिए, देखिए मेरे बीटरूट कबाब बन के तैयार हो गए, मतलब रेडी हो गए, और ये 10 कबाब बन गए मेरे। अब देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, अब इसको एक काम करना है, मैं एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद आपको शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, तो उसके बाद ही, या तवे पे करना है, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पर मिनिमम हाफ एन आवर आपको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो ये सब घी में फैलता है। और अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि गेस्ट आने में अभी एक घंटा है, एक घंटा पहले बना के रख देते हैं, एक डेढ़ घंटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक डेढ़ घंटा पहले बना के रख दीजिए और जैसे ही गेस्ट आए आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद हम इसको बनाते हैं कबाब को। देखिए हमारी कबाब की टिक्की तो बन गई थी, अब हम इसको, मैंने पैन में देखिए ऑयल गरम कर लिया, अब इसको हम शेलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट तवे पे भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप पसंद करें कर सकते हैं। अब फ्रिज में मैंने एक घंटा रख लिया था अराउंड इसको, चलिए अब हम इसको शेलो फ्राई कर लेते हैं। धीरे धीरे रख देंगे टिक्की, एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा। एक साइड से अच्छे से हो जाएगी तभी हम इसको पलटेंगे। देखिए फ्रिज में रखा है तो देखिए बिल्कुल फैल नहीं रहा है। आप चाहें तो इसको तवे पे, अगर हम आपको नहीं शेलो फ्राई नहीं करना है तो आप तवे पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कम ऑयल में। साइड से भी कर लेंगे अच्छे से। देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि ये ज्यादा ना हो जाए, अभी नहीं हुए पीछे से। मैं एक और डाल देती हूँ, चार मैं आपको शेलो फ्राई करके दिखा रही हूँ, चार मैं आपको तवे पे करके दिखा देती हूँ। देखिए लगभग हो गई है हमारी, इस साइड से तो हो चुकी थी। देखिए अब हमारी हो गई है टिक्की, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये भी नहीं, ये तो कच्ची है जी, सही से है।
तरीके से हम सारी निकाल लेते हैं, हमारी हो गई है। बाकी की जो बांच बची हुई है हमारी, वो मैं आपको तवे पे करके दिखा देती हूँ। ये मैंने बाद में डाली थी, इसको 2 मिनट लगेगा, इसको भी 2 मिनट लग रहा है। चलिए अब हम बाकी तवे भी रख लेते हैं, तवे पे भी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने तवे पे सेकने के लिए कबाब को मैंने जरा सा 1 टीस्पून ऑयल डाला है। देखिए नॉनस्टिक पे वो भी इधर उधर भाग ही रहा है, तो मैं बहुत ही कम ऑयल में बनाऊंगी। अगर आपको, मैं कह रही हूँ ना कि आपको नहीं करना शैलो फ्राई, तो ये वैसे ही इतने हेल्दी हैं, बीट रूट के हैं, और ऊपर से अगर ऑयल बहुत कम लगेगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। जो डाइट कॉन्शियस हैं, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा नहीं खाना, हेल्थ को लेके इश्यूज हैं कुछ, तो वो इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें भी 2 मिनट हम पहले होने देंगे एक साइड से, अच्छे से कि अच्छे से हो जाए। फिर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हल्का सा ऊपर ऊपर जरा सा लगाएंगे, बस इसके ऊपर लगाएंगे। एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड को पलट लेते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं, अभी नहीं है, इसको 1 मिनट बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पलट। अब हम चेक कर लेते हैं, एक साइड से हो गया है, एक साइड से, ये देखिए। अब हम इसको पलट देंगे और हल्का हल्का सा इसको दबा देंगे इस तरीके से। और फ्लेम मीडियम टू लो ही कर लेंगे इस समय, क्योंकि इसको अच्छे से हम ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको हम अच्छे से हल्का हल्का यूं प्रेस करके, हल्का हल्का, इसमें ऑयल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत ही जरा सा डाला था मैंने, ऊपर लगाया था, ये देखिए। इस तरीके से हम इसको दोनों साइड से सेक लेते हैं। देखिए अब हम एक बार फिर से पलट ले रहे हैं, हल्का हल्का सा प्रेस करके, मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए। हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ऑयल हम यूज नहीं कर रहे इसलिए इस तरीके से हमको, इस तरीके से हल्का हल्का, बस लगभग एक एक बार एक साइड से उस साइड से करके एक बार इस साइड से और कर लेंगे, पलट लेंगे, फिर हम कबाब दोनों तरीके से हमारे तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, ये वाले भी। चलिए अब हम इनको दोनों को सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों तरह से कबाब रेडी हो गए हैं, बीटरूट कबाब। ये देखिए, ये वाले तो मैंने शैलो फ्राई करे थे, इसको मैंने मेयोनीज और सिक्के साथ सर्व किया है, साथ में मिंट से धनिया से मैंने गार्निश किया है। ये वाले मैंने तवे पे करे थे, हल्के बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करे थे, इसको मैंने नारियल और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करा है। आप इसको जिस तरीके से फ्राई करना चाहें, आप चाहें तो डीप फ्राई, आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाने तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर ये जिस तरह से भी बनाइए, हर तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपको बीट रूट के बेनिफिट्स तो ऑलरेडी पता ही है कि कितने ज़्यादा होते हैं, और आजकल बीट रूट बहुत अच्छा आ रहा है, आप इसको बनाइए, ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अगर शाम को फ्रेंड्स आ रहे हैं, ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स बनाने हैं, तो ये सबसे हेल्दी, बहुत ही, एक तो कबाब सब पसंद बहुत करते हैं, और आप टी टाइम में भी इसको बना सकते हैं। जैसे भी बनाइए और ट्राई करिए, और बताइएगा ज़रूर कि आपका कैसा बना। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।